अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम हांगकांग में हैं। आज 6 फरवरी है और हांगकांग के टाइम के मुताबिक 3 बज रहे हैं और पाकिस्तान 3 घंटे पीछे 12 बज रहे हैं पाकिस्तान में। आज हम सुबह पहुँचे हैं, हमारे साथ मैसेज टीवी वाले भी हैं और मौलाना इलियास साहब और मुफ्ती अरशद साहब की दावत पर हम यहाँ आए हैं। ख़त्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस है जिसमें इंशाल्लाह इतवार वाले दिन वो कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें इंशाल्लाह इंडिया से आए हुए उलमा भी हैं और मेरे जैसे नालायक पाकिस्तान से बुलाए गए हैं। तो मुझे तो इस बात की खुशी है कि इन बड़े उलमा से मुझे मुलाकात का मौका मिल रहा है। तो अभी जो मैंने ऑनलाइन हुआ हूँ वो मौलाना शाह आलम साहब के थोड़े से तारुफ़ के लिए कि हिंदुस्तान में दारुल देवबंद में ये होते हैं और ख़त्मे नबूवत के अमीर हैं, पूरे हिंदुस्तान के ख़त्मे नबूवत के अमीर हैं, तो इनकी बड़ी खिदमात हैं। तो मैं थोड़ा सा हजरत से जो है ना पूछना चाहूँगा कि हजरत कब से मुंसलिक हैं ख़त्मे नबूवत की तहरीक से? तहरीक से मैं मुंसलिक हुआ 1990 में। 1990 में मैं मुंसलिक हुआ माशा, जब हज़रत मौलाना मंजूर अहमद साहब चनियोटी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद में तशरीफ़ लाए थे। तो उस वक्त मैं तालिब इल्म था और दौरे से फारिग होकर इसी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबूवत के शोबे का तालिब इल्म था। तो 1990 से समझ लीजिए आज 2019 बल्कि 1 + 20 अल्हम्दुलिल्लाह यानी 29 साल हो गए आपको अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक ख़त्मे नबूवत से। मुझे तहरीक तो कोई कादियानी भी मुसलमान हुए आपकी दावत? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह अंदाज़ा कुछ इसका कोई हद शुमार नहीं है। अल्लाह ताला ने बेशुमार लोगों को तौबा की तौफीक दी है। इसका रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह कुल हिंद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबूवत दारुल देवबंद के दफ्तर में है जी। और वहाँ मतबूआ जो कॉम्प्लेक्स हैं उनके अंदर भी ये सब छपे हुए हैं। यानी ये बता रहे हैं कि अनगिनत कादियानी हैं, बेशुमार कादियानी हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दावत पर इस्लाम कबूल किया है और इन्होंने उनके शुबों को शुबात का इजाला किया है। और ये भी जो हजरात इस वक्त ये देख रहे हैं लाइव कि यहाँ हांगकांग में भी कादियानी अपना जाल बहुत तेज़ी से बिछा रहे हैं और अभी हमें बहुत अफसोस हुआ कि कादियानी एक रिफ्यूजी की शक्ल में ना मुहाजिर बन के और यहाँ की नेशनलिटी हासिल करते हैं और जो ये करते हैं कि हमारे साथ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और हमें पाकिस्तान में मारा जा रहा है, यहाँ झूठ फेक सारी कहानियाँ बना के यहाँ आके पनाह हासिल करते हैं और फिर ट्रेनिंग लेके यहाँ की ज़बान सीख के कादियानियत का प्रचार कर रहे हैं। तो ये तहरीक जो अभी कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका बुनियादी मकसद ये है कि यहाँ कादियानियों के ज़ोर को किसी तरीके से कम किया जाए। इसलिए इंशाल्लाह अंसारी सुहेल बाबा साहब भी जो लंदन से हैं, बड़े मशहूर मुबल्लिग हैं, कादियानियों के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह हांगकांग का दौरा करने वाले हैं। और ये ख़त्मे नबूवत के उलमा की तो माशाल्लाह बड़ी मेहनतें हैं, जो जहाँ भी कादियानी फितना सर उठाते हैं ये हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ हांगकांग में बहुत तेज़ी से कादियानी फितना सर उठा रहे हैं और मज़लूम बन के और यानी ये शो करके कि हम मुस्लिम हैं, क्योंकि यहाँ जो गैर मुस्लिम, अच्छा ये भी एक अहम बात है, हमें यहाँ अभी मैं तकरीबन 4 घंटे हो गए मुझे यहाँ आए हुए, 3-4 घंटे, तो जो अभी तक हमने यहाँ रिसर्च की है पता ये चला है कि ये कमबख्त जो हैं गैर मुस्लिमों में मेहनत कर रहे हैं, यानी मुसलमानों में नहीं इतनी मेहनत कर रहे कादियानी, यहाँ पे गैर मुस्लिमों में कर रहे हैं, यानी गैर मुस्लिमों को इस्लाम का लेबल लगा के कि हम आपको मुसलमान कर रहे हैं तो वो एक्चुअली उनको कादियानी बना रहे होते हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा जहर है जो इस माशरे में फैल रहा है। तो ये इन हजरात की मेहनतें हैं जो हजरत मौलाना शाह आलम साहब और जो ख़त्मे नबूवत के हमारे दीगर उलमा इनकी मेहनतें हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया में हर जगह जा रहे हैं। और मेरी सआदत के मौलाना इलियास साहब ने मुझे यहाँ दावत दी, अल्लाह ताला उनको बहुत बहुत जज़ाए खैर दें, उनका भी मैं इंशाल्लाह लाइट भी लूँगा कि मुझे इन उलमा से मुलाकात का उन्होंने मौका फराहम। मुफ्ती साहब हांगकांग आके कैसा लगा आपको जी? हांगकांग भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा हटो बच्चों इस लिहाज से लगा मुझे अच्छा जी कि ये दुनिया का कह रहे हैं कि महंगा तरीन मुल्क है। अच्छा यहाँ के अंदाज़ा हो रहा है कि जी जी यानी लग रहा है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा हटो बच्चों टाइप की चीज़ लग रही है। अच्छा जी और
अच्छा जी, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें जो है ना हांगकांग की सेल भी करवाएंगे जी। हाँ, ये इन्होंने वादा किया कि हम हांगकांग ये लोग मुझे ऑनलाइन सेल भी करवाएंगे। अच्छा, बयान आपका सिलसिला भी है, क्योंकि मैं जब शहर की बात करता हूँ लोग समझते हैं मैं शहर करने आए हुए हैं। अच्छा, असल में तो डेली बेसिस पर बयान हैं जी जी, उसके अलावा कोई टाइम मिलेगा तो फिर इंशाल्लाह उसमें जी थोड़े सपाटे भी होंगे, गुल गपाड़े भी होंगे। अच्छा, और वो गुल गपाड़ों में और सैर सपाटों में हम आपको भी थोड़ा सा जो लाइव देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा शरीक करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। Thank you.